हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल हैंडशेक मेडिकल यूट्यूब चैनल। आई कृतिका द्विवेदी इज हियर विद यू टू गाइड यू। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम एनसीईआरटी विद वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। सो बी विद मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू कमांड दिस टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द थर्ड फैमिली ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज लीनियसी फैमिली। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे लाइक एस्टिवेशन में वेलवेट एस्टिवेशन, इंफ्लोरेसेंस में साइमोस एंड गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, या इस तरह के कुछ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, इस तरह के कुछ वर्ड आएंगे तो आप ज्यादा पैनिक मत होइएगा। मैं इसके लिए एक अदर वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को, इन सारे वर्ड्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो लीलियसी फैमिली, इसको कॉमनली लीली फैमिली बोलते हैं। लीली फैमिली रिप्रेजेंटेटिव होता है मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट का। मोनोकॉट्स हैं ये, ठीक है। अब मोनोकॉट्स हैं तो ये जाने कि जो मोनोकॉट होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट पता ही होगा आप लोग को, बस मैं डिवाइस करवा रही हूं, उसमें मोनोकॉट है तो इसमें फाइब्रस रूट होंगे, फाइब्रस रूट होंगे। एंड वेनेशन इसमें कैसा होगा, वेनेशन, वेनेशन इसमें पैरेलल वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन। देखिए रूट इसमें, देखिए फाइब्रस रूट है, ये अनियन है एलियम सेप्पा, इसमें फाइब्रस रूट है, ठीक है। इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे आते हैं तो ये पेरिनियल हर्ब्स होते हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, बल्ब अनियन का बल्ब होता है, ठीक है, अनियन गार्लिक इसमें बल्ब होता है, कॉम्स राइजोम्स। लीव्स में मोस्टली बेसल अल्टरनेट लीनियर एस स्टिपुलेट विथ पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट कैसे याद रखें, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नीट ट्रैक करने के लिए, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसको अल्टरनेट डे पे हम रिवाइज करेंगे तभी तो हमें याद रहेगा। तो इसलिए इसके लीव्स को, लीव्स इसके कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, लीव्स इसके अल्टरनेट होते हैं। अब इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इसके, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं, सॉलिटरी, ठीक है, अलोन मीन्स अलोन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है सोलेनेसी में और लीलियसी में, दोनों में ही देखिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस। ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल होंगे, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक में प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री होगी, किसी भी प्लेन से जो कि सेंटर से पास हो रही है वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। पेरियंथ कंडीशन होती है इसमें, पेरियंथ टेपल 6 3+3। टेपल क्या होता है, टेपल पेरियंथ का यूनिट होता है, ठीक है, और पेरियंथ इसमें प्रेजेंट होता है। लीलियसी फैमिली में पेरियंथ प्रेजेंट होता है, पेरियंथ प्रेजेंस होता है, इसका मतलब क्या है, इट मींस कि पेरियंथ प्रेजेंट है, पेरियंथ इसमें प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कैलिक्स और कोरोला, इसमें कैलिक्स और कोरोला क्या होंगे, कैलिक्स कोरोला क्या होंगे, नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। पेरियंथ प्रेजेंट है इसमें, इसका इसका मतलब कि इसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, ठीक है। पेरियंथ टेपल 6 3+3 ऑफन यूनाइटेड इंटू ट्यूब, ट्यूब के फॉर्म में होंगे। वेलवेट एस्टिवेशन होता है इसमें, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम स्टेमन 6 3+3, गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, सिन, सिन मीन्स फ्यूज्ड, सिन कार्पस। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। एनसीईआरटी की जितनी भी फैमिली है, तीन फैमिली के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है, उसमें सब में ओवरी सबकी सुपीरियर है, ठीक है, एनसीईआरटी है उसमें सबकी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। ट्राइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर के लिए मैंने आपको बताया था कि फसल के बारे में बताया था, जैसे फसल 1 2 3 उगती है, ठीक है, 1 2 3, तो इसमें लीलियसी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो लीलियसी में देखिए, लीलियसी में क्या होगा,
ट्राइलोक्युलर होगा, ट्राइलोक्युलर होगा, ट्राइकार्पिलरी होगा, ट्राइकार्पिल भी तीन होंगे इसमें सब, देखिए तीन ठीक है। और इसमें गाइनोशियम, गाइनोशियम भी कैसा होगा, गाइनोशियम, गाइनोशियम भी देखिए थ्री होगा, हाइपोगाइनस होगा ठीक है। और इसमें गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर ट्राइलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स एक्साइल प्लेसेंटेशन, अनियन में प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है ठीक है। फ्रूट कैप्स्यूल रेयरली बेरी, सोलेनेसी में क्या था, सोलेनेसी में जनरली बेरी था, लिलिएसी में क्या है रेयरली बेरी है। सीड इसमें एंडोस्पर्मस होंगे, यानी कि एंडोस्पर्मस एल्बुमिनस, एंडोस्पर्मस एल्बुमिनस। फ्लोरल फॉर्म में देखे तो ये ब्रैक्टिएट होते हैं, ये ब्रैक्टिएट का सिंबल है। एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो प्लस वाला सिंबल होता है ना डॉक्टर वाला प्लस वाला, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री। ये बाइसेक्सुअल का है, इसमें पेरिएंथ 3+3 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 3+3 फ्यूज्ड विद पेरिएंथ। इस कंडीशन को जब पेरिएंथ एंड्रोशियम के साथ, एंड्रोशियम जो पेरिएंथ के साथ फ्यूज होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिफिलस कंडीशन, एपिफिलस कंडीशन। एपिफिलस कंडीशन क्या होता है, जब एंड्रोशियम पेरिएंथ के साथ फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं एपिफिलस कंडीशन, एपिफिलस कंडीशन, एपिफिलस कंडीशन ठीक है। इसमें एपिफिलस कंडीशन होता है। गाइनोशियम हाइपोगाइनस, देखिए गाइनोशियम गाइनोजी ऊपर है, उसके नीचे डैश है गाइनोशियम थ्री गाइनोशियम हाइपोगाइनस ठीक है। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इसके लिए एक छोटी स्टोरी है, एक लिली नाम की एक लड़की रहती है, लिली नाम की लड़की रहती है, वो पापा की इकलौती परी रहती है। लिली नाम की एक लड़की रहती है, लिली नाम की एक लड़की रहती है, लिली नाम की एक लड़की रहती है ठीक है, लड़की रहती है, वो पापा की अपनी इकलौती परी रहती है। परी से, परी से क्या होगा, पेरिएंथ कंडीशन, परी से पेरिएंथ कंडीशन, पापा की अपनी इकलौती परी रहती है ठीक है, पापा की इकलौती परी रहती है। अब वो क्या करती है, अपने बालों में, देखिए इसमें लिलिएसी फैमिली में इसमें ऑर्नामेंट से ज्यादा आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें ज्यादा आते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स। तो लिली नाम की एक लड़की रहती है, पापा की इकलौती रहती है, पापा मींस पेरिएंथ कंडीशन इसमें होगा, और ऑर्नामेंट वो अपने बालों में टुलिप, टुलिप का फ्लावर आता है ना, टुलिप का फ्लावर, टुलिप का फ्लावर लगाती है अपने बालों में, बालों में टुलिप का फ्लावर लगाती है ठीक है, सजने के लिए और ग्लो करने, और ग्लो करने के लिए क्या करती है, वो ग्लो करने के लिए क्या करती है, एलोवेरा का जूस पीती है। लिली नाम की एक लड़की रहती है, पापा की एक लौती रहती है यानी कि पेरिएंथ कंडीशन, टुलिप का फूल लगाती है अपने बालों में, और ग्लो करने के लिए, ग्लोरियोसा ग्लो करने के लिए एलोवेरा का वो जूस पीती है। अब एलोवेरा का जूस पी रही है, टुलिप का फूल लगा रही है, फ्लावर लगा रही है अपने बालों में, कैसे लगेगी, अप्सरा की तरह लगेगी। वेजिटेबल्स में क्या है, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस, अप्सरा की तरह लगेगी। और इसको याद कर लेते हैं कॉल्चिसीन, इसमें एक और एग्जाम्पल है कॉल्चिसीन, कॉल्चिकम ऑटमनेल इसका साइंटिफिक नेम है। ये कॉल्चिसीन क्या होता है, कॉल्चिसीन को इसके लिए एक चीज और याद कर ले हम, कॉल्चिसीन, कॉल्चिसीन ये क्या है, ये है माइटोटिक पॉइजन है, कॉल्चिसीन ये माइटोटिक पॉइजन है ठीक है। फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिली नाम की एक लड़की रहती है, पापा की प्यारी एक लौती लड़की रहती है ठीक है, पेरिएंथ हो गया, परी ऐसी लड़की रहती है, अपने बालों में टुलिप का फूल लगाती है ग्लो करने के लिए, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन एलोवेरा का जूस पीती है, एलोवे का जूस पीती है, अब एलोवे का जूस पी रही है, बालों में फूल लगा रही है, तो कैसी लगेगी, एस्पेरेगस, अप्सरा की तरह लगती है। और ये याद कर लेते हैं कॉल्चिकम, कॉल्चिसीन, कॉल्चिकम ऑटमनेल माइटोटिक पॉइजन है, इसका एग्जाम्पल है। और ये लिली जो रहती है वो
वेल्वेट की कुर्सी पे सोती है, वेल्वेट की कुर्सी पे सोती है, ठीक है, ऐसी वैसी नहीं है, इकलौती बेटी है, वेल्वेट की कुर्सी पे सोती है, इसलिए इसमें वेल्वेट एस्टिमेशन इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।